हमारे काश मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ काश मेहमान वरिष्ठ साहित्यकार नवोस व्यास जी हैं। नवोस व्यास जी से इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, साथ ही इनका जो साहित्य सृजन है ये कब से इन्होंने प्रारंभ किया, किसकी प्रेरणा से ये इन्होंने ये काम बढ़ाया, आइए बात करते हैं नवोस व्यास जी से। नवोस जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार भाई साहब। नवोस जी, पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ हुई और साथ में किस व्यवसाय से आप जुड़े और साहित्य के क्षेत्र की में आपने कब से मतलब आपने कदम बढ़ाया। बिल्कुल, मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में सांगोद में सन 1975 में हुआ जी। सांगोद में एक समझ पीर का चौक है, दाऊ जी के मंदिर और श्री जी के मंदिर के बीच में जी, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिताजी श्री देवीशंकर जी शर्मा सेवानिवृत्त अध्यापक हैं, माता सीता देवी गृहिणी हैं जी। हम तीन भाई थे, बड़े बड़े भ्राता हैं मेरे, हेमंत शर्मा जी हैं, सुमन शर्मा जी हैं, तीसरा मैं हूँ जी। और मेरा विवाह गायत्री देवी से सन 2002 में हुआ, मेरे आज तीन पुत्रियाँ हैं। मैं जब प्रारंभिक मेरी शिक्षा सांगोद में हुई जी, और उसके बाद में किन्हीं कारणों से हमारा कोटा में आना हुआ। कोटा में जब हम आए तो राजस्थानी कवि सम्मेलन जब मैंने सुना जी, तो मुझे काफ़ी प्रभावित किया उसने। राजस्थानी कवि सम्मेलन, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन ने हमें काफ़ी प्रभावित किया। मेरे को क्या हाड़ौती के अधिकांश लोगों को इन्हीं ये जो कवि सम्मेलन रहे हैं यही प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और हमें लगा कि यार अपन भी कहीं ना कहीं कुछ लिख सकते हैं। मन में ऐसे ईश्वर की कृपा से, माँ शारदा की कृपा से ऐसे भाव आए और मेरा लेखन प्रारंभ हुआ। सन 2002 से मैं यहाँ राजस्थानी कवि सम्मेलन कविता पढ़ रहा हूँ। उसके पहले मैं स्थानीय में भी 2-3 साल मैंने स्थानीय कवि सम्मेलन कविता पढ़ी है, आकाशवाणी केंद्र और आखर राजस्थान जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी मैंने जवाहर कला केंद्र में काव्य पाठ किया है, और चित्तौड़ कई जगह हाड़ौती में आप सभी के श्रोताओं की आशीर्वाद मिला है। सांगोद, बाराडोल, बूंदी थी, केसराय पाटन, कई लाखेरी, गणगौर मेला, ये ऐसे मंच हैं जिन्होंने श्रोताओं का मुझे आशीर्वाद मिला और जाने का सौभाग्य मिला। मेरी शिक्षा की बात है तो शिक्षा मेरी जैसे मैंने बताया प्रारंभिक शिक्षा सांगोद में हुई, उसके बाद मैं कोटा में आया। कोटा में मेरी प्रारंभिक शिक्षा विज्ञानगर हुई, फिर दादा बड़ी जो गोड़े वाला स्कूल इसमें हुआ, फिर मल्टीपर्पज, जिसके बाद में मेरी ग्रेजुएशन राजस्थान क्या नाम है कोटा गवर्नमेंट कॉलेज से हुई। उसके बाद में मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी साइंस में स्नातक किया। उसके बाद मैंने एम लिप जो मास्टर डिग्री होती है पुस्तकालय साइंस की, वो मैंने डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी MP से सागर से की। उसके बाद मैंने MPhil पुस्तकालय विज्ञान में किया है वर्धमान यूनिवर्सिटी से, और कई बार मैंने जो यही मेरी उसके बाद में मेरी सेवाएँ एजुकेशन शिक्षा विभाग में मैं दे रहा हूँ जी, इसलिए काफ़ी टाइम से। नवोस जी, प्रथम बार जब आपने लेखन शुरू किया था तो इन रचनाओं को आप किसी साहित्यकार को या कवि को दिखाते होंगे, तब कैसा भाव मन में आता था? बिल्कुल, मैंने एक रचना लिखी थी साहब, और किस्मत से मैंने एक बार अखबार में पढ़ा कि मौजी बाबाधाम पे कवि सम्मेलन है जी, तो मैं बड़ी उससे ये मानो कि आप मेरे अंदर क्या रही हुई हालत, और आदरणीय भाई साहब वरिष्ठ साहित्यकार रामजी सर जी शर्मा को मैंने जब वो कविता दिखाई तो उन्होंने कहा ऐसा करो आप कागज़ तो मेरे को दे दो और कविता सुन के बताओ। तो मैंने उनको पूरी कविता सुनाई, उनको मेरा कविता पसंद आई, उन्होंने वरिष्ठ कवियों के साथ में जो मेरे को डॉक्टर शांति भारदाजी राकेश बहुत बड़े और प्रेम जी शास्त्री, गोरसी प्रचांड, विश्वामित्र जी दादीज, ऐसे साहित्यकार उस मंच पर थे, और उन्होंने मेरे को उन साहित्यकारों के साथ में सबसे अनुज होने का सौभाग्य मिला, और रामानंद जी सरस्वती जी साहब का और हेमा जी सरस्वती का मुझे आशीर्वाद मिला जो, और मेरी काव्य यात्रा आज यहाँ तक आई है। नवोशी, रामेश्वर जी जो रामू भैया हैं उन्होंने कई ऐसे छोटे जो साहित्यकार थे उनको कईयों को आगे बढ़ाया, उसमें वो जब आप लिखते थे तो लेखन का कैसा वो आपको अनुभव साझा करते थे? रामेश्वर जी बिल्कुल सही बात है, कुछ साहित्यकार हाड़ौती में ऐसे हुए जिन्होंने युवाओं को आगे किसी भी प्रकार से
मंच की साहित्यिक गोष्ठियों में इनमें जहाँ उनको लगा कि यार इस जगह पर करेक्शन कराना चाहिए, उस जगह पर उन्होंने समय समय पर युवाओं को प्रोत्साहन भी दिया और करेक्शन भी कराया कि इस प्रकार से इस शब्द की जगह अगर ये शब्द आता है, जो कविता तो खुद ही लिखता है व्यक्ति और खुद के भाव होते हैं, लेकिन वरिष्ठ साहित्यकार का ये दायित्व होता है कि अगर इस शब्द की जगह इस शब्द का अगर उपयोग हो तो ज़्यादा कविता अच्छी दमदार बन जाती है। तो इस प्रकार से काफ़ी सहयोग लोगों ने, रामेश्वर जी भाई साहब ने, काफ़ी मेरा नहीं काफ़ी साहित्यकारों का किया है। नवोश जी, यहाँ भारतेंदु समिति एक साहित्यकारों की पाठशाला थी, उस पाठशाला में भी क्या आपने अनुभव साझा किए थे? बिल्कुल, मेरा क्या अधिकांश हाड़ौती के साहित्यकारों ने, एक तरह से पाठशाला है साहब जी, जी बिल्कुल, बड़े बड़े कवि वरिष्ठ कवियों ने भी वहाँ से लिखना सीखा है। वहाँ पे जो नियमित योग गोष्ठियाँ होती है अभी भी होती है वहाँ गोष्ठियाँ, तो लेकिन वो जब रविवार को हम लोग जाया करते थे गोष्ठियों में, और जब गोष्ठियों में जब जाते थे तो वरिष्ठ साहित्यकार के साथ बैठना और एक मन में लग रहती थी कि यार कि अगले रविवार को हमें नई कविता लेकर के वहाँ प्रस्तुत होना है और कविता दर्शकों को सुनानी, जो वरिष्ठ साहित्यकार उसको सुन लेते थे जी, जी। और जब हमें कभी दाद दे देते थे, क्योंकि वरिष्ठ साहित्यकारों के मुँह से अगर दाद निकालना बहुत बड़ी बात होती जी, जी। अगर वो निकल जाए तो ये मानो कि वो साहित्य जो हम जिस दिन अब दूसरे दिन हमारा अखबार में नाम आता था तो हम फूले नहीं समाते थे यार कि आज देखो हमारा नाम आया है, कोई कविता फोटो कभी अगर कभी भगवान फोटो आ गया तो बहुत ही आनंदित हो जाते थे मानो आप जी। तो परिवार के लोगों को भी अच्छा लगता था, मोहल्ले के लोग दोस्त लोग कहते थे यार आज फोटो आया तेरा, तो एक मन में अंतर ही अलग ही खुशी होती है। नवशी, सबसे जो बड़ा मंच है वो सबसे पहले कहाँ आपने साझा किया था? सबसे बड़ा मंच मेरे को कोटा जो स्थानीय कवि सम्मेलन है वहाँ से मेरा प्रारंभ हुआ, और वहाँ भी भाई साहब रामेश्वर जी का संचालन था। उसके बाद में कोटा राजस्थानी कवि सम्मेलन में तो भाई साहब मुखर्जी का रामेश्वर जी के कवि संचालन रहा है, उनका आशीर्वाद मिला है। मेरे को साहित्य की यात्रा में जो कवि सम्मेलन की यात्रा है उसमें प्रेमजी शास्त्री का भी बहुत विशेष योगदान रहा है, विश्वामित्र आजादी का भी बहुत विशेष योगदान रहा है, और जो साहित्य की यात्रा है उसमें रामेश्वर जी भाई साहब, जितेंद्र जी, निर्मोही, विजय जोशी जी, इन लोगों का मेरे को काफ़ी बहुत आशीर्वाद मिला है। आपकी कोई रचना हो वो दर्शकों को सुनाएं? बिल्कुल, मैं एक वर्तमान हालत में एक दुख के आपके सामने रखता हूँ जी जी, एक मुक्तक में आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज के 30-40 साल पहले ग्रामीण इलाके में क्या स्थिति थी, किस प्रकार का माहौल होता था, आज परिवर्तन आया है आप उसको देखो। एक बिल्कुल 30-40 साल के लिए एक दृष्टि जी जी जी। हाँ तेरा की पातड़ा आंबा की छाऊं कतनी मनवार मलछी बारा गांव, बहुत बढ़िया। खाकेरा की पातड़ा आंबा की छाऊं कतनी मनवार मलछी मारा गांव, खजूरा की चटाया पेजूनारा लगावे छा विदुर सी मनवार आवे छी भाव, बहुत लापसी ही चावल खिलावे चाचाऊसू सबरी सी आत्मा आवे छी भाव, डागलीप बैठ्यो कागिला के काम काम, डागलीप बैठ्य कागिला के काम का, पावणा आबा को मलछो संदेशो, अरे डागलीप बेठका गिला की काऊ काऊ, डागलीप बेठका गिला की काऊ काऊ। एक बुन चप भी नवरात्रा में अपन कन्या पड़ोस में ढूंढ बजाऊ थे, लेकिन अपन या घर के अंदर कन्या ना बचावा, मतलब कब की बात दिया भगत सिंह पैदा तो, लेकिन पड़ोस में बिल्कुल तो वह स्थिति है कि कन्या के जब अपन बोझ में देखो जाओ तो स्थिति आ जाए। आज जो लड़का लड़कियां ने देखो जाओ अपन दिख रहे रिश्वत कहीं आ रही है, लड़का लड़के कम होती जा रही है, लड़का ज्यादा हो रहा है, लेकिन अगर ये हालात आज के 10-20 साल पहले चले तो कहीं प्रकार को कहीं होगा तो आप रिजल्ट देखो आप जी। एक व्यंगेज है आबा वाला दनाम ऐसा भी दन आओगा जाना लोग देखता रह जाओगे, बहुत बढ़िया। जब छोरिया छोरा ने देखो जाओगी फिर छोरिया भी अपना नखरा दिखाओगी, ये छोरा होगा डील सब मोटा वहां का तो आगे दनकोटा, ये छोरा होगा डील सब मोटा वहां का तो आगे दनकोटा, और जो छोरा होगा मुचा सपासठ वहां का बसेगा घरपटापट, बहुत बढ़िया बहुत खूब। जो छोरा होगा मुचा सपासठ वहां का बसेगा घरपटापट, और जीवो घोड़ा बढ़िया जितनी बढ़िया हुई गाड़ी,
जिको घोड़ा जितनी बढ़िया होगी गाड़ी मुके उतनी बढ़िया होगी लाड़ी। और यह भी हो सका को पांच पांडव ने एक पांच चालीस होकर बसानी पड़े। और यह भी हो सका को कोई कोई ना तो विष्णु पितामह के नाई मनक जमारो बितानी पड़े। धन दूनी रात चौगुनी जो बूढ़ हत्या होगी तो यही होगी, फिर न तो काई होगी। अजी जो कर्म कर का कलयुग को तो कलयुग ही आओगो, फिर भाई असत्य खा लेवा जाओगो, फिर भाई असत्य खा लेवा जाओगे। बहुत सुंदर व्यंग्य रचना नोश जी आपकी। नोश जी, जब कोटा में साहित्यकार माँ कुंभ हुआ था उसमें शायद राणोती वर्ष से साहित्यकार जो शामिल हुए थे, तो उससे क्या सीख मिली यहाँ के साहित्यकारों को, जैसे नवोदित भी उसमें शामिल हुए। देखो उसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये मिला भाई साहब कि उसमें पुस्तक मेला भी साथ में रहा, बुक फेयर भी रहा, तो नए रचनाकारों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि यार कहीं ना कहीं कि हमें जो कोई लड़का कभी किसी भी हिम्मत करता है यार की तो नहीं, वहाँ पे जब साहित्य कुंभ है तो एक नई जो रचनाकार आते हैं उनको वरिष्ठ साहित्यकारों की कविताएं कई प्रकार की उसके अंदर जो मतलब क्लास होती, तो उसमें उन जब इस किसी कहानी पर चर्चा हो रही है, किसी उपन्यास पर चर्चा हो रही है, किसी के गीत पर चर्चा हो रही है, किसी की कविता पर चर्चा हो रही है, किसी गजल पर चर्चा हो रही है, तो उन जब गजलों गजल कैसे लिखी जाती है, कविता कैसे लिखी जाती है, जब इनकी जब नवोदित रचनाकारों को इनकी चीज़ों के बारे में पता लगता है तो इसका एक बेनिफिट तो कहीं मिलता है। आप ताजु मानोगे भाई साहब, चार दिन पहले मेरे पास एक कवि का फोन आया जी, कोटा से वरिष्ठ साहित्यकार हैं कि नवोश जी एक बाहर से वरिष्ठ जन है जो अपने कोटा में रहते हैं कि वो आज उनको जो राजस्थानी कविताओं को सुन करके इनकी बहुत जगह कि वो हाड़ौती सीखना चाहते हैं साहब। बहुत बढ़िया, ये अपने के लिए कितनी गौरव वाली बात है कि वो हाड़ौती लिखना चाहते हैं। मेरे पास कल भी बनाया उनका जी जी कि वैसे मेरे को ऐसी कोई पुस्तक बताओ आप जो मेरे को उपलब्ध कराओ ताकि जिससे मैं हाड़ौती सीख पाऊँ। तो ये कि अपने लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। हाड़ौती में बहुत सारी पुस्तकें आई है आज़ादी के बाद से ही। साहब मैं बताऊँ आपको, 18वीं शताब्दी की बात है जी, हाड़ौती बोली इतनी प्रभावी थी, इतनी शक्तिशाली थी कि अपने पास में हाड़ौती में बाइबल का अनुवाद है। अच्छा, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना जी जी, दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हाड़ौती में बाइबल का अनुवाद, हालांकि मैंने देखा नहीं सुनने में आया कि हाड़ौती में बाइबल का अनुवाद है। और हाड़ौती में आज वर्तमान में 200 से ज़्यादा किताबें प्रकाशित हो चुकी है जी। आपके पास तो इतने साहित्यकार आया, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब कहाँ से परंपरा, जो रघुराज सिंह आड़ा से परंपरा जो चली है और आज नवोदित रचनाकारों तक आई है। इस बीच में कई रचनाकार ऐसे करीबन 70 रचनाकार ऐसे हैं जिन्होंने जिनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई और उनकी क्वांटिटी 200 है, और 200 करीबन ऐसे रचनाकार है जिनकी कोई कृतियाँ प्रकाशित नहीं हुई लेकिन उन्होंने मंचों पर अपना कमाल दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल, मंचों पर भी अपना कमाल दिखाया। तो ये सबकी अलग अलग प्रतिभा है जी। नवोश जी, आपकी कितनी काव्य रचनाएं संकलित हो चुकी है अभी तक? मेरी अभी पुस्तक का तो मैं बताऊँ, पुस्तक मेरी आगामी कुछ जीवन में आप दर्शकों के हाथों में होगी पाठ करके। लेकिन मैंने एक महत्वपूर्ण काम किया था साहब जी, आपको जानकारी होगी बताना चाहूँगा दर्शकों को कि हाड़ौती में जितने भी आज़ादी के बाद जितनी भी कृतियाँ प्रकाशित हुई जी, उन सब रचनाकारों की कृतियों को मैंने संकलित किया और उन पे मैंने एक पुस्तक लिखी उनको मिला करके। बहुत और हाड़ौती में फुटकर जितने भी रचनाकार हैं जिनकी रचनाएं मेरे पास किसी भी मार्फत आई है, अगर वो कहीं प्रकाशित हुई है और ऑथेंटिक है जी जी, तो वो मैंने उसको मेरे संकलन में लिया है। और उन चीज़ों को मैं, ऐसे भी कई रचनाकार हैं जिनकी किताबें प्रकाशित नहीं हुई तो उनको भी मैंने समय साथ में स्थान दिया है उसकी अंदर। और इसमें चाह तो बहुत ही जल्द आप लोगों के हाथों में होगी। नवोश जी, जो आपने ये आप बता रहे हो जो पुस्तक आपकी आने वाली है उसमें जो नवोदित साहित्यकारों और जो कवियों को भी आपने इसमें शामिल किया, ये उनको लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करेगी। बिल्कुल, वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ एक अपने आप में नए रचनाकार को स्थान मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है साहब। लेखनी में सुधार भी देखने को मिलेगा, विशेष तौर से वो शुद्धार्थियों के लिए होगी वो जो पुस्तक है जी, जो हाड़ौती बोली में अपना जो अपने शोध कार्य करना चाहते हैं। कई रचनाकार ऐसे जिनको हाड़ौती की पुस्तकें नहीं मिलती है, तो कई रचनाकार जो मेरे पास जो शोधार्थी मेरे पास आए तो मैंने उनकी जेरोक्स करा करा के उनको उपलब्ध कराई है। ऐसी कई पुस्तकें जो मतलब साहित्यकार चले गए तो उनके साथ पुस्तकें भी चली गई, मतलब पुस्तकें मिलना बहुत कठिन हो जाता है, तो उन मैंने कोशिश करी कि जितना ज़्यादा हो सके तो उतने ज़्यादा कलेक्शन मेरे पास किया है और जरूरत पड़ने पर मैं
जो शोधार्थी आते हैं उनको उपलब्ध कराता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया बात है नवोश जी। जो हाड़ोती के जो यानी माइड भाषा में जो नए लड़के लिख रहे हैं, कई लड़के आपसे मिलते भी होंगे क्योंकि तो उनको आप हाड़ोती मतलब माइड भाषा को बढ़ावा देने के लिए क्या संदेश देते हो उनको? भाई देखो, माइड भाषा के लिए काफ़ी प्रयास चल रहे हैं। देखो अभी अभी राजस्थानी भाषा के लिए भी एक वो चल रहा है, संघर्ष समिति बनी हुई है, उसमें भी हम लोग जुड़े हुए हैं और राजस्थानी के कई भाषा कई प्लेटफॉर्म अब तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे। कोटा राजस्थानी जो कवि सम्मेलन है उसने एक बहुत बड़ी जाजम बनी है हाड़ोती के लिए और नए रचनाकार की इच्छा यही होती है कि यार वो अगर सृजन आप हिंदी में भी करो, बिल्कुल अंग्रेजी में भी कर सकते हो, तो आप किसी भी भाषा में करो लेकिन कम से कम आपका कहीं ना कहीं दायित्व है। जिस मिट्टी पर अपना जन्म लिया है, जिस बोली को आपने माँ की माँ ने आपकी पिता ने आपके परिवार में बोलना सीखा है उसके प्रति भी अपना कहीं ना कहीं कर्तव्य है और आप उन कर्तव्यों का पालन करते। जब गांव का जब एक लड़का जब आता है उसकी ठेठ जो गांव को खा अपन जिसे बिल्कुल, तो वो जब आता है ना तो उसकी बोली में और उसकी शब्द में अलग ही मिठास होती है साहब। बिल्कुल, और वो मिठास वाक्य में आपने भी कैसे गीतकार देखे होंगे, बिल्कुल इस बारे आए उनकी बोली में इतनी मिठास है कि वो एक अपने आप में खनक होती है कि यार क्या लगता है कि यार कोई गीतकार वाक्य में कोई कभी खड़ा है। सही बात, और अपनी उसकी पहचान बनती। नवोश जी, जो आपकी पुस्तक आने वाली है शीघ्र ही, तो उसका प्रकाशन क्या साहित्य अकादमी से है या खुद अपने खर्चे पे आप? उसका कुछ क्राइटेरिया इस प्रकार से हो गया साहब कि वो एकेडमी उसको एक्सेप्ट नहीं करी क्योंकि कारण क्या है कि एकेडमी में तो आपकी खुद की रचनाएं हो ना जी जी वो बनती है, लेकिन वो मेरा एक संकलन है एक तरह का, वो अगर किसी से आर्थिक सहयोग मिलता है तो बात अलग है, लेकिन वो नहीं तो मैं जी खुद के निजी उससे ही। ये तो खूब बहुत अच्छी बात है नवोश जी की, आपने पूरे हाड़ोती के छोटे और बड़े सभी साहित्यकारों का संकलन एक जगह आप उपलब्ध करा रहे हो, ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जो और कोई रचना आपके मन में हो बताएं, सुनाए आप। एक दो व्यंग्य और आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। एक दहेज प्रथा भी बहुत बड़ी पीड़ा है समाज की, एक हाड़ोती में व्यंग्य देखो आप। रामायण में एक पात्र थी मंत्रा, वो मंत्रा के साथ मरवा को कोई प्रमाण कोई नहीं, मोती अखुज आज भी जीवित थी ठीक रूप मचे साहब। एक देखो आप हर गली एक मोहल्ला में कहने कहीं आपने मंत्रा मिली जाओ जे, वहाँ से एक कविता आपके सामने रखूँ। कहीं एक दिन बेरिया की माई माँ का घर पाई, मुकल लारा बीती सारी राम कथा सुनाई, अजी भाभी जी माँ का तो करम बा के फूट गया, माँ तो ब्याह के सामने फोकट में ही लुट गया। साची साची खेलू जो तारा भरी रात में, अजी नाक कटार मेल जी माँ की सारी जात में, टीवी कूलर फ्रिज ये सब तो आम बात, फणकार लारा आती तो लोग कहता काई बात। बहुत खूब, लोग कहता काई बात, असी बाता करर बेरिया की जीजी माँ का लगर से चल गई, एक दिन तोल पड़ी कि बेरिया की बू आग में जलगी, तीसरा में लोग यही तो बाता कर रहा था कि जली कोई न जड़ाई ची आग तो का लोग बेरिया न लगाई ची, एक दिन पहली सासू को लड़ी ची सासू को जो कार की कसर पड़ी ची, असी खबरा जब पढ़ू जो अखबार में सुनू जो रेडियो टीवी का समाचार में, तो कलम मनक को जैसो ही लिखवाना कोशिश कलम को मनक नहीं क्यों नोच काहे कागज का टुकड़ा को कद अतनो बढ़ गयो, तो मानव को कद कागज का टुकड़ा सो बोनो पड़ गयो, अगर यही मानवता छ तो बताओ दानवता कहीं छ, अगर यही मानवता छ तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नवोश जी। आपने जैसे माइड भाषा में तो अपनी रचनाएं लिखी सही, बिल्कुल आपने कोई लघु कहानियां या कोई लघु नाटक वगैरह कुछ लिखने का मानस है आपका? बिल्कुल है साहब, नाटक तो मैंने नहीं, नाटक के बाकी लघु कथाएं मैंने भी कुछ लिखी है जी। और लघु कथाएं भी अच्छी, क्योंकि लघु कथा की सबसे बड़ी खासियत होती है कि उसको पाठक की बहुत आसानी से पढ़ लेता है, लंबी कहानी जो होती है ना वहाँ तक उसकी एक समय होता है थोड़ा सा, लेकिन लघु कथा की एक लघु कथा है कि आसानी से पाठक वहाँ तक, यानी सारा सारी उस छोटी सी कथा में समझ सकता है। तो ये भी इसके भी कोई आप कृति सामने लाएंगे भविष्य में? देखो अगर मातेश्वरी की कृपा हुई तो बिल्कुल। और कोई एक व्यंग्य और सुनना जाए हमारे दर्शकों को? एक महंगा एक व्यंग्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। कई एक दिन मुँह कोले से घर पायो तो घर वाले को थोपड़ा फूले पायो,
मुँह बोली रे बागवान मेहरबान कदरदान, ये दुनिया की आठवीं बची भी पहचान। कहे बात अच्छा है भाई, ने पिलाओगी रोटी से आके तैयारी को ना, कहे वो कोई सुलाओगी। तो घर वाली बोली कि वो फोकट की बात को काटो बना रहा चो, घर को तमाशु की दुनिया ने दिखा रहा चो, नून सू लेर घी ताने का डब्बा तो कुंवरा ही डोल रहा च, फिर भी ते कैसा बेसमझो जो कागला की नाई काँव काँव कर रहा। वाह, मुँह बोली रे बागवान 30 तारीख को वारण तू 20 तारीख में क्यों दे रही है, बकरा इस सुफीली बकरा लाल कर रही थी। तो घरवाली बोली भूल जाओ मीना की बात, मना तोल से कैसा कट रही रहता, अजी गुणगांव मारी माय का न तो कुंवरा डोलता या बीतिया सुपर बटे खार भी जो पोड़ता। मैंने कि भगवान 30 तारीख को वारण तू क्यों दे रही है, तो घरवाली बोली नून तू लेर गीता का डब का सामान तुम्हारा फिर से जाओ छे ताकि थनका 20 दिन में समट जाओ छे, राड सु बाट बली सोचर मुँह माटी को भूखो सो गयो आकुली तो सवेर हो गयो, बाल तोल आंगना में सन्नाटो चचायो, पाचे तोल पड़ी का बेरना भाई जा बुलायो, वह तो भाई गला राशि होगी का फाची भी न जाकी, अब काहे को था सू मारे काल जाके कौन मारे काहे भी न राखी, अब जल भी फोन करूँ तो उठाओ जे सासू माई और तलाक लेवा की तैयारी में जो बताओ चूँ कि वो जाए, या दास्ता मारी कोई ना छही समाज की मारी विनती तो देश का हकम सोच कहीं महंगाई न रोको, ये महंगाई न रोको मत ही गरीब जनता ना महंगाई की आग में जोको, मैंने मानी कि यार सरकारी कर्मचारियों के तो था कसूर का उसको वेतन लगा जाओगा, पर ये ठेला वाला ये रिक्शा वाला ये ऑटो वाला ये टेम्पो वाला कुणसू सातों वेतन मांगवा जाओगा, कुणसू सातों वेतन मांगवा जाओगा, कुणसू सातों वेतन। बहुत सुंदर महंगाई पे आपने व्यंग्य पढ़ा, बहुत सुंदर व्यंग्य। नवोश जी, जब ये साहित्य कुंभ हुआ था उसमें आपकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी, उसमें आपने निभाई थी, क्या क्या था उसमें? मेरा मीडिया मीडिया प्रभारी मैंने बनाया गया था उसके अंदर जी, तो मैंने जितने भी समाचार पे मीडिया के जितना मेरे से हुआ उसको मैंने किया, और 5 दिन से वाकई में एक हाड़ौती में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा कि जिसमें इस प्रकार की गतिविधियाँ हुई कि एक मतलब 100 से ज़्यादा सत्र, बिल्कुल 100 से ज़्यादा सत्र 5 दिनों में हो गए, और आधे आधे घंटे में मतलब यूँ भी नहीं कि आदमी को बोर होने का अवसर मिले, एक भाई फलाना व्यक्ति ये इसके साथ है, नए नए कई नए युवाओं को भी उसमें मन संचालन करने का, एंकरिंग करने का, उनके वार्तालाप करने का अवसर मिला। सबसे बड़ी काशी दी उसकी रही कि वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ युवाओं का भी तालमेल इस प्रकार से बिठाया गया ताकि वो युवा भी अपना उसमें कहीं ना कहीं अपनी भूमिका महसूस करें, और उसके किसी भी आयोजन में युवाओं की अपन जानते हैं कि युवाओं की भागीदारी और वरिष्ठ साहित्यकारों की अगर भागीदारी बराबर होती है, अगर इनका तालमेल बैठ जाए तो वास्तविकता में वो कार्यक्रम अवश्य सफल होता है। यूँ माने नवोश जी कि बिखरे हुए जो साहित्यकार कवि थे उनको एक जाजम मिली, ये हाँ किसी भी कार्यक्रम से साहित्यिक आयोजन से ये तो बेनिफिट है सही कि एक साहित्यिक आयोजन अगर होता है शहर में तो उसमें कहीं ना कहीं एक जाजम मिल जाती है, तो कई वरिष्ठ साहित्यकार और इतनी सारी वो जो उसमें आयोजन हुए तो उसका कहीं ना कहीं हर साहित्यकार को उसमें अपनी भूमिका अपना रोल अदा करने का अवसर मिला है, तो ये बहुत अच्छा सुखद कार्य रहा है जी। नवोश जी, इसमें कहाँ कहाँ से साहित्यकार आए थे? इस पूरे हाड़ौती अंचल के साहित्यकार साहब उसमें थे जी, और हाड़ौती को अपन माने तो कोटा बूंदी जिला बड़वाना जी जी 4 जिलों का अपन मानते हैं, तो चारों जिलों से की भागीदारी इसमें बराबर आई, और मेन कोटा में ही अधिकांश साहित्यकार तो अपन जानते हैं कि ज़्यादातर साहित्यकार तो कोटा में सही में ही हैं, तो साहित्यकार कोटा के साहित्यकारों की तो भूमिका रही है। और कोई एक रचना हो जाते जाते सुना जाए? बिल्कुल, एक रवि में एक कविता जो मेरी मेरे को काफ़ी उसने यार भी पिछले दिनों महात्मा दिवस निकला था, उसकी एक कविता मैं आपके सुनाना चाहता हूँ। किसने कहा खुद गीले में सोती रही सूखे मेहता लाल, माँ के से त्याग की जग में नहीं मिसाल। एक माँ के दो बेटे होते हैं साहब, लेकिन सबकी एक कवि ओम व्यास कहा करते थे कि एक माँ के दो बेटे होते हैं, एक बेटा ऊपर रहता है एक बेटा नीचे रहता है, 15 दिन ऊपर वाला खाना खिला देता है, 15 दिन नीचे वाला खाना खिला देता है, लेकिन समस्या उस दिन होती है जो महीना 31 का होता है, उस दिन माँ का खाना कौन खिलाए। बहुत खूब, तब ऐसी कविताएं जन्म लेती है साहब, आपके सामने रखना चाहता हूँ। बिल्कुल, कि सुन जो माँ तुझे पाने के लिए दर दर पर भटकी, आज तीन के साथ तेरी आँख में वही माँ कटकी, अरे जिस माँ ने तुझे 9 माह तक घर में रखा, जन्म दिया लायक बनाया, तूने उस माँ को एक वक्त का निवाला न खिलाया, तू कहता है उसने जो किया है उसका फर्ज है, मगर तू ये क्यों भूला कि तेरे तन की चमड़ी उसी माँ का कर्ज है,
तूने तो उसको घर से तक दिया निकाल, पर उसने अपने आप को फिर भी तो लिया संभाल। जब भी तू आज भी यही कहती है ईश्वर सदा मेरे लाल को कुछ रखना, क्योंकि वही तो है संसार में कर अपना। अरे देखता हूँ अन्याय तो कहता हूँ इंसान से, हे मानव थोड़ा तो डर भगवान से, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक बार जो माँ बिछड़ी तो तू माँ को ढूंढता ही रह जाएगा, तू माँ को ढूंढता ही रह जाएगा। अरे माँ की ममता तो वो ममता है, अरे माँ की ममता तो वो ममता है जिसे कोई पतझड़ छू नहीं सकता और जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जिसको कोई उपमा दे ही नहीं सकता। अरे देखता हूँ अन्यायी तो कहता हूँ इंसान से, हे मानव थोड़ा तो डर भगवान से, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक बार जो माँ बिछड़ी तो तू माँ को ढूंढता ही रह जाएगा, ढूंढता ही रह जाएगा। मैं पूछता हूँ एक सवाल, हे कोई दूजा माँ जैसा जो बिन स्वार देता है दुआएं, अरे नहीं 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 वह है केवल माँ माँ माँ। बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार नहुष व्यास जी, एक व्यंग्यकार भी हैं, माइड भाषा में इन्होंने अच्छे गीत लिखे हैं और कई मंच इन्होंने साझा किए हैं, और इनका एक संकलन आने वाला है जिसमें हाड़ौती भर के नवोदित वरिष्ठ साहित्यकारों का एक संकलन होगा। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।